चेतन आनंद जैसे लोग अपने सोशल मीडिया पे सोशल अकाउंट पे लिखते हैं कि ठाकुर के कुआं में पानी बहुत है सबको पिलाना है ये ठाकुर का कुआं भले आपका होगा जमीन हमारा है कुआं हमने खोदा है तुम्हारा बाप काब नहीं है तो पहले भी बोल दिया जितना हो उतने में सीमित रहो हमें बहुत लोग ने चैलेंज किया कि किस बिल में छुप गई हो हम तो चैलेंज करते हैं उन लोगों से कि हम मधेपुरा के धरती पे आइए फरिया लीजिए आप बोले तो वो कुआं और

लगातार आप लोग कई वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा आपने जाना होगा प्रिया राज को पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से लगातार चर्चाओं का विषय बनी है प्रिया राज लेकिन अब इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है देखिए ये उनकी पार्टी है उनकी सोच है उनकी विचारधारा है क्या कह सकते हैं इस पर हम उनके निर्णय से हम उनका निर्णय का स्वागत करते हैं हमें कोई कैद नहीं है कि वो हमको निकाल दिए ऐसा कुछ भी नहीं है पार्टी मायने नहीं रखता है विचारधारा मायने रखता है हम पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं है तो हम आज घर में कैद हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है लड़ाई किससे लड़ाई हमारे समंतवादी लोगों से है हम तो पहले भी कहे थे हमें कोई जात से लड़ाई तो कि जाति से नहीं नहीं देख सकते हैं मेरा वीडियो हम जो वीडियो जारी किए थे और जो मेरा बयान है वो किसी जात को टारगेट हमने किया ही नहीं था आप देख सकते हैं हमें किसी जाति से लड़ाई है ही नहीं आप जो कहेंगे कि प्रिया किसी जाति को टारगेट किए हम किसी जाति को टारगेट नहीं किए हैं हम उन लोगों को टारगेट किए हैं जो ठाकुर के कुआ बता रहे हैं किस ठाकुर की कुआ की आप बात कर रहे हैं किस ठाकुर की कुआ की बात कर रहे हैं आप हमें बता दीजिए अब वो जमाना नहीं रहा सर अब वो जमाना नहीं रहा कि आप ठाकुर की कुआ की बात करिएगा हम उन सभी को टारगेट करेंगे जो सामंतवादी लोगों हैं और जो इस तरह की बात इस जनरेशन में कर रहे हैं तो उनको इस तरह का जवाब मिलेगा ठाकुर का कुआ चेतन आनंद जैसे लोग अपने सोशल मीडिया पे सोशल अकाउंट पे लिखते हैं कि ठाकुर के कुआं में पानी बहुत है सबको पिलाना है बर्दाश्त करने वाली चीज तो है प्यासे को पानी पिलाना इसकी बात है ना मैंने ठाकुर के किसको पिलाने क्या बात कर रहे जाके आप उनसे पूछे हैं आप उनसे पूछे हैं ये वही ये वही आनंद मोहन है ना जो सहरसा से लवली आनंद चुनाव लड़ी थी और लवली आनंद को ही हम बोल रहे हैं उस कुआ में सहरसा को लोग तेरासी हजार पिछड़ा दलित अति पिछड़ा यादवों ने उसको वोट देके उसकी कुआ को भरने का काम किया था यही सहरसा की धरती है यही मधेपुरा की धरती है और वो बोल रहे हैं कि ठाकुर के कुआ में पानी बहुत हो गया सब कुछ पिलाना है तो लवली आनंद जी आ जाइए सहरसा से फिर चुनाव लड़ने के लिए जवाब आपको जरूर मिल जाएगा कि आपका बेटा किस कुआं की बात कर रहा है और किस पानी का बात कर रहा है हमें किसी जात धर्म कोई मतलब नहीं है तो शुरुआत तो इसकी राजद पार्टी के ही मनोज झा ने किया था देखिए उन्होंने उन्होंने कविता को उन्होंने रखा उन्होंने कविता को तौर पे रखा और ठाकुर किसको कहा जाता है ठाकुर उनको तो नहीं कहा गया करपुरी जी भी अपने अंदर ठाकुर लगाते हैं लगाते हैं भाई भी ठाकुर लगाते हैं तो ठाकुर जरूरी नहीं है कि ठाकुर उन्हीं को कहा गया जो ठाकुर का मतलब होता है जो किसी पे रोब खोब जो पहले जवाना में हुआ करता था कि ठाकुर लोग गरीबों पे अपना गरीबों पे अत्याचार करते थे और ठाकुर की तरह मतलब ये कर राज करते थे दलितों को तो पानी अपने कुआं का नहीं देते थे उन्हें पानी देते थे जूता के अंदर पानी डाल के बिल्कुल ऐसा किया जाता उन लोगों के लिए उस जमाने की बातों को ताजा कर रहे हैं बोलिए देखिए अब वो जवाना नहीं रहा वो जवाना नहीं रहा अब जाके उस चेतन आनंद से जाके पूछिए जब उसके कुआ का पानी सूख गया था तो लालू यादव ने लालू यादव ने उसके कुआ में पानी भरने का काम किया ये पूरा देश जग जाहिर है ये पूरा देश जग जाहिर है हमने किसी जात को नहीं टारगेट किया हम हमें क्या मतलब है अरे राजपूत तो वो जात होता है जो सामने से ये पहले का नहीं रहा। कि आप अपनी, अपनी बंदूक के ताकत से किसी को आप डरा दीजिएगा किसी को आप धमका दीजिएगा और आपके डर से कोई आपको वोट दे देगा और आपको सपोर्ट कर देगा ये वो जमाना नहीं रहा ये आज का जमाना है और ये आज के जमाना में हम लोग बोलना जानते हैं पढ़ना जानते हैं और सब कुछ करना जानते हैं ये आप समझ लीजिए आप किसी को डरा नहीं सकते हैं और हम पहले भी कहे थे हमें किसी जात और धर्म पे हम टिप्पणी नहीं किया है हमें राजपूत पे हमने टिप्पणी नहीं किया है हमने चेतन आनंद पे जो गलत करेगा जो गलत करेगा जो बहुजन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा जो बहुजनों को डराने की कोशिश करेगा उसको इस तरफ से जवाब जरूर मिलेगा चाहे हमें आप कितनी भी गाली दे दीजिए और कितनी भी भद्दी भद्दी बातें बोल दीजिए और कितना भी वीडियो बना लीजिए हम भी मधेपुरा की धरती पर हैं, हम तो बोले भी हमें बहुत लोग ने चैलेंज किया कि किस बिल में छुप गई हो हम तो चैलेंज करते हैं उन लोगों से कि हम मधेपुरा के धरती पे आइए फरया लीजिए हमने तो किसी जात को टारगेट नहीं किया आपने शुरू किया और खत्म हम लोग करेंगे ये आप समझ लीजिए खत्म हम लोग करेंगे जब उसके कुआं का पानी सूख गया था तो यही मध्यपुरा की धरती है जिसके कुआं में पानी भरने का काम किया था याद दिला दीजिएगा आनंद मोहन जी को याद दिला दीजिएगा आनंद मोहन जी को कि उनके कुआं की पानी जब सूख गया था और आ आनंद बोल रहे हैं मीडिया में कि हमारी माँ को सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम तो उनकी माँ को ना बोलेंगे उनकी माँ गई थी टिकट लेने के लिए उनकी माँ सिफारिश कर रही थी कि हमारे पति को छुड़वा दीजिए जेल से तो किसको बोलेंगे आप बोले तो वो कुआं और पानी था और जब हम बोले तो वो कुछ और हो गया अब हद टिप्पणी हो गया कैसे हमने भी कुआं और पानी ही किया और

जो लालू यादव के आवाज पर रात में गाना का आनंद लेते हुए संगीत का आनंद लेते हुए क्रिकेट खेलते हुए और जब बारी आए साथ देने का तो पीठ पीछे खंजर भोकने का काम किया तो ये आप वही है आप तो दोगला नीति के आदमी है जी आप तो दोगला नीति के आदमी है आपके जैसे लोग से तो आपका समाज भी असर झुका के चल रहा है आपके वजह से आज आपका समाज भी आपके वजह से सर झुका के चल रहा है और आपके समाज भी आज आपके साथ नहीं है पहले आप अपने गिरेवान में झांक के देखिए फिर दूसरे पे टीका-टिप्पणी कर दीजिएगा तो पहले भी बोल दे रहे हैं प्रियाराज ना डरी थी और ना प्रियाराज डरेगी ये ठाकुर का कुआं भले आपका होगा जमीन हमारा है कुआं हमने खोदा है तुम्हारा बाप काब नहीं है तो पहले भी बोल दे जितना हो उतने में सीमित रहो